जो आपके स्ट्रिक्टली बेस्ड है मेडजी के नोट्स है, ACE अकेडमी सारे को मिलाकर एक नोट्स बनाया गया है, आर्य अकेडमी के भी नोट्स है उसमें, तो आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन डिटरमिनेंट फॉर्म देखेंगे लिमिट का। देखिए यह जो होता है हमारा जीरो बाय जीरो के फॉर्म में होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, वन टू द पावर इन्फिनिटी, जीरो टू द पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर टू जीरो हो तभी हमारा इन डिटरमिनेंट फॉर्म होगा। जब भी हमारा इन डिटरमिनेंट फॉर्म होगा तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, ठीक है। तो किस तरह लगाएंगे तो देखिए, तो हमारा लिमिट है यह जो टेंस कर रहा है हमारा ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। यह जो होता है हमारा फॉर्म होता है जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के, ठीक है। तब हमारा लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैक्स एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कोई भी एफ एक्स जी एक्स उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएट निकालेंगे और नीचे का अदर दूसरा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी केवल हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रिजल्ट देखिए, जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स का वन होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का हमारा वन होता है, टेन एक्स बाई एक्स का वन होता है, इसका ये होता है एन ए एन माइनस वन जब ए बड़ा हो जीरो से, ठीक है। जब इसमें एक्स जो है टेंड्स करता है जीरो तब हमारा ये जो है रिजल्ट देखिए टेन एक्स, ये टेन एक्स जो है हमारा जीरो बाय जीरो के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। जब इस पर जीरो पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन वन, यह हमारा वन हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस वन एक्स, ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस अपॉन में वन, तो यह भी हमारा ये वन के फॉर्म में है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर गए, ठीक है। इसको ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएट किए और नीचे का अलग, इसको टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट किए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स का डिफ्रेंशिएट किए तो वन हो गया, ई टू द पावर एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स आएगा, और नीचे का डिफ्रेंशिएट किए तो वन आया, तो इसका वैल्यू पुट करिए तो हमारा वन आया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी क्लियर है। फोर में उसी प्रकार जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है, तब उसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे ऊपर का डिफ्रेंशिएट किए तो एन ए एन माइनस वन आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है, ये हमारा था क्वेश्चन, ये सब का आंसर था टेन एक्स साइन एक्स का। देखिए इस पर भी इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन वन, तो कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ये जो है हमारा आंसर हो गया, आंसर है और ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए tan 3x अपॉन tan 5x है, लिमिट x टेंस टू जीरो है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने से पहले हम लोग जैसे कि 3x है तो tan 3x है तो उसको 3x से और 5x है तो 5x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 3 बाई 5 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो ये tan 3x बाई tan 3x और 5x बाई 5x से जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसका थ्री से एक स्क्वायर, थ्री से एक स्क्वायर थ्री एक्स है, उसके बाद फाइव कॉस फाइव एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार है, थ्री बाई फाइव हो गया और इसको भी ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जिस कारण से कट जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, देखिए आप लोग देखिए, जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा तब वन प्लस एक्स वन बाई एक्स है तो ई होगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस ए एक्स है उसके पावर वन बाई एक्स है तो ई टू दी पावर ए होगा। उसी प्रकार ये रिजल्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स है
तब हमारा ई के बराबर होगा। फिर चौथा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + a/x टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर ए है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 1/x इक्वल टू 1। फिर उसका सिक्स जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 + x टेंस टू x इक्वल टू 1। ये भी हमारा जो है लिमिट है हमारा, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है मैं बता रहा हूँ कि किस तरह आया तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए लिमिट जो है एक्स टेंस टू 0 है 1 + x टू द पावर 1/x, तो ये हमारा 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है। देखिए तो लिमिट इसको दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, 1/1 और x/1, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉग वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, जिसके कारण से वाई इक्वल टू हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लॉग